नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। और अब जो है बिहार में एनडीए के अंदर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो तल्खियां बढ़ी हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब लगातार जो है एक दूसरे पर वार का दौर चल रहा है। एक नया हमला बोला गया है एलजेपी की तरफ से एनडीए के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर। और ये जो तगड़ा हमला बोला है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं अशरफ अंसारी, उन्होंने कहा है ये बड़ा हमला बोला है नीतीश सरकार पर। और उन्होंने कहा है कि जेडीयू के विधायक तो रोज रोज पिट रहे हैं, पहले सरकार उन्हें बचाए। दरअसल ये जो है तगड़ा हमला या तंज कहे सरकार जेडीयू पर एलजेपी ने कसा है। और उस इसे गुलाम गौस के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें गुलाम गौस ने कहा था कि चिराग पासवान राजकुमार न बने, जनता का पत्थर पड़ेगा तब समझ में आएगा। दरअसल ये जो सारी कवायद, ये जो गुलाम गौस ने एक बयान दिया था, जो जेडीयू के एमएलसी हैं उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा था कि चिराग पासवान राजकुमार न बने, जब जनता का पत्थर पड़ेगा तो समझ में आएगा। दरअसल जेडीयू ने पहला ये वार किया था, उसके बाद उस पर जेडीयू पर पलटवार हुआ है। और अब जो अशरफ अंसारी हैं एलजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है पहले जेडीयू अपने विधायकों को तो संभाल ले, वो विधायक जो पीट रहे हैं, जो क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता उन्हें छोड़ नहीं रही है, जनता उन्हें पीट रही है। दरअसल ये हाल के दिनों में अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, खास करके जेडीयू और बीजेपी के विधायक या मंत्रियों का विरोध का सिलसिला लगातार बिहार में जारी है। कई क्षेत्रों से खबरें आई कि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों या फिर मंत्रियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। इसी को आधार बनाते हुए एलजेपी ने तगड़ा हमला बोला है और जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर, सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला गया है कि पहले सरकार उन्हें संभाले जो आपके विधायकों को पीट रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, जनता में विरोध है। देखिए, ये दरअसल एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जो रार मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और सारी जो कवायदी, ये सारी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ उन सीटों को लेकर ही है। और ये जो है अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और एलजेपी के खाते, एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी 36 सीटों पर, एनडीए के अंदर 36 सीटों पर चाहती है कि वो 36 सीटें उन्हें दी जाए। और इसके अलावा अगर जेडीयू की बात करें तो वो एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी रहना चाहती है। दरअसल इसी बात को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी है और सीटों को लेकर लगातार जो है चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं अपने पार्टी सांसदों के साथ। और ये जो फैसला लिया गया है, पहले जो फैसला लिया गया था एलजेपी की तरफ से कि वो 143 सीटों पर लड़ेंगे, हालांकि ये बातें गलत थी। और 36 सीटों पर लड़ने का दावा अब एलजेपी ने पूरी तरह से ठोक दिया है और 36 सीटों से कम उन्हें मंजूर नहीं है। इधर अगर जेडीयू की बात करें तो वो एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रहना चाहते हैं और बीजेपी से भी ज़्यादा सीटें उन्हें चाहिए, जो एलजेपी को पच नहीं रहा है। और जो जीतन राम मांझी की एंट्री के बाद, जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री के बाद ये मामला और भी उलझ गया है और एलजेपी लगातार हमला बोल रही है और ये जो बातें हैं सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।